वेलकम टू इंडियन यूथ विकास। तो दोस्तों आज हम लोग चल रहे हैं अन्ना नगर पार्क, जो चेन्नई में एक बहुत बड़ा पार्क है और वहाँ पर ऊंची टावर भी है जहाँ लोग काफ़ी मौज मस्तियाँ करते हैं और घूमने के लिए भी आते हैं। तो ये चेन्नई के बीच शहर में जो चेन्नई का हट कहा जाता है अन्ना नगर, वहीं पर यह अवस्थित है और इसके बारे में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूँ। केवल अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों अन्ना नगर टावर पार्क, जिसे आधिकारिक तौर पर डॉक्टर विश्वेश्वरैया टावर पार्क के नाम से भी जाना जाता है, और यह प्रॉपर चेन्नई के अन्ना नगर में ही अवस्थित है और जो शहरी पार्क है। सार्वजनिक उपयोग के लिए खुला हुआ है। यह जो है निःशुल्क है, पूरी तरह से निःशुल्क है और इसके लिए कई गेट भी हैं प्रवेश के लिए, और मैं इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अन्ना नगर टावर पार्क 1968 में विश्व व्यापार मेले के हिस्से के रूप में बनाया गया था। इस पार्क का निर्माण बीएस अब्दुल रहमान द्वारा किया गया था और इसका उद्घाटन 21 जनवरी 1968 को तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुराई की उपस्थिति में पूर्व उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने किया था। पार्क को बनाने में जो लागत आया था वो था लगभग 62 मिलियन, और फिर से पुनर्निर्माण किया गया और जो है 2010 में खोल दिया गया था फिर से। और मैं बताना चाहूँगा, यह जो है अन्ना नगर का जो मुख्य चौराहा है उसी जगह पर अवस्थित है, और इसके ठीक बगल में अन्ना नगर अयप्पन टेम्पल है, अयप्पन मंदिर जिसको बोलते हैं, और जो गेट है, दो ही गेट हैं इसमें, दो प्रवेश द्वार हैं। और यह पार्क का जो क्षेत्रफल है इस पार्क का वो है 15.35 एकड़, ठीक है, यानी 15.35 एकड़ में फैला हुआ है, जो चेन्नई कॉरपोरेशन द्वारा रखरखाव किया जाता है। कोई फी नहीं लिया जाता है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, बिल्कुल निःशुल्क है। लोग यहाँ मनोरंजन करने के लिए आते हैं, हमेशा भीड़ लगा हुआ रहता है, कोई रील्स बना रहे होते हैं तो कोई उधर गिटार बजा रहे होते हैं, तो कोई डांस कर रहे होते हैं, तो एक तरफ स्केटिंग हो रहा होता है, बच्चे जो है झूल रहे होते हैं, तो कहीं बच्चे स्लाइडिंग कर रहे होते हैं। ये देख लीजिए, बच्चों का मनोरंजन का साधन आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ। कोई बच्चे झूला झूल रहे हैं, तो कोई बैठ रहे होते हैं, कोई गप्पे लड़ा रहे होते हैं, कोई वॉकिंग कर रहे होते हैं, कोई तरह तरह की एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पर बना हुआ है, कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो इसमें 2011 से टावर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, चूँकि यहाँ पर कोई घटना घटी थी, जैसा जो है मैंने सुनने को मिलता है और देखने को भी मिलता है, तो उसमें और 2018 में अधिकारियों ने टावर को पब्लिक के लिए फिर से खोल दिया गया था। और
इस तरह से आकर्षण का बहुत अच्छा जो है केंद्र है यह, यहाँ लोग ये देखिए स्केटिंग कर रहे होते हैं बच्चे, यहाँ स्केटिंग गाइड भी है जिनके देख रेख में स्केटिंग बच्चे करते हैं, और ईशांत शर्मा भी यहाँ पर बहुत मस्ती कर रहे हैं आज देखिए। क्योंकि अन्ना नगर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से काफी दूर होता है, इस वजह से ईशांत शर्मा को स्केटिंग प्रशिक्षण नहीं दे पाया हूँ, नहीं तो फिर ये भी जो बोल रहे हैं कि मैं ही करूँगा। ये देखिए बहुत मस्ती करते हैं बच्चे हैं, गार्जियन सब लेकर के आते हैं, ये देखिए बैठने का जगह भी बना हुआ है, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा एरिया है, 15 एकड़ में कोई कम क्षेत्रफल नहीं होता है, चूंकि शाम हो चुका है, अंधेरा होने लगा है, लोगों की जमघट यहाँ लगी हुई है, और छोटे छोटे बच्चे ये देखिए झूला झूल रहे हैं, और ये देखिए यहाँ लोग सुबह से ही देर रात तक जमे हुए रहते हैं, काफी मनोरंजन करते हैं, अपना फिटनेस को लेकर के यहाँ वॉकिंग करते रहते हैं, तो मनोरंजन के लिए बैठ करके गप्पा लड़ाते हैं, चूँकि गर्मी के यहाँ तो गर्मी तो हमेशा रहता ही है, तो ये देखिए फव्वारा, तरह तरह के फव्वारा यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाता है, और शाम के समय में लाइटिंग जो होता है ना वो भी गजब का होता है यहाँ, और टावर के चारों तरफ जो फव्वारा लगा हुआ है तो वो रंग बिरंगे जो है होता है, और ये देखिए गांधी जी के चरखा से भी जो है निकल रहा है, और हाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि टावर पर जो आपको चढ़ना चाहिएगा तो निःशुल्क तो है ही, सारी सुविधाएँ यहाँ निःशुल्क है, वो 6:45 बजे के पहले तक आप चढ़ सकते हैं, उसके बाद अनुमति नहीं दी जाती है चढ़ने के लिए, क्योंकि 6 बजे बंद करना होता है उसको, 6 बजे के बाद ऊपर चढ़ना मना ही है, और वो लोग 6:45 बजे से ही जो है रोकना शुरू कर देते हैं कि अब मत चढ़िए, अब देखिए वो भीड़ बनी हुई है, तो चढ़ गए हैं, उतरते उतरते उसको टाइम लग जाता है, ये देखिए कलरफुल रंग बिरंगे फव्वारे का नज़ारा देख सकते हैं आप लोग, और साथ में सभी लोग मस्ती कर रहे हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं, कोई रील सुना रहे हैं, और ये ICF फर्निशिंग डिवीजन किससे सटा हुआ यानी कुछ ही दूरी पर है, यानी कि आप साउथ कॉलोनी जो ICF का है तो वहाँ से आप वॉकिंग करते हुए जा सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, शोलू जी तो वॉकिंग करते हुए चले गए थे।